मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, राशियों की दिशा तत्व, स्त्री पुरुष और स्वभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन। जी हाँ मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही आधारभूत टॉपिक है, बेसिक टॉपिक। इस पर अध्ययन और चिंतन इसलिए आवश्यक है कि बार बार चर्चाएं होती है, कभी आता है कि अगर चर राशि में तो ऐसा फल, स्त्री में तो ऐसा फल, पुरुष राशि में हो तो ये फल, स्त्री राशि में हो तो ये फल, इस तरह से बराबर चर्चाएं राशियों के बारे में आती हैं, ग्रहों के बारे में आती हैं। तो इसका बेसिक नॉलेज आवश्यक, हम इस पर विस्तृत अध्ययन आज करेंगे ताकि हमारे मित्रों को, आपको, सभी ज्योतिषी बंधुओं को और सभी दर्शक बंधुओं को इसका पूरा जानकारी हो जाए और तैयारी हो जाए, क्योंकि ये विषय छोटे छोटे बिंदु, बेसिक नॉलेज जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सही ज्योतिष का फलादेश संभव नहीं है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आग्रह है कि अगर वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको हो जाए, मित्रों को शेयर जरूर करें और जो दर्शक मित्र हैं उनको सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ज्योतिष का निरंतर अगर वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित है उनके लिए कल्याणकारी होगा। तो मित्रों, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों को माना गया है, वर्णन किया गया है और कुल मिलाकर के नवमंडल को 12 भागों में बांटा गया है, 27 नक्षत्रों में, 12 राशियों में। तो आज हमारा विषय है, केंद्र है राशियां। मित्रों एक और सूचना दे दें, कल किसी व्यक्तिगत कारण से व्यस्त होने के नाते मैं वीडियो नहीं दे पाया था, जिसका मुझे खेद है, आज मैं उसकी भरपाई कर रहा हूं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि बहुत गौर से इसको देखेंगे। मित्रों जैसे ग्रह तो सब नौ, ग्रह राशि और भाव एक दूसरे से संबंधित है, मिले जुले हैं, अलग अलग किसी का कोई महत्व नहीं है, आधार नहीं है, स्वरूप नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। राशियों के स्वामी ग्रह ही है और हर राशि पर कहीं कहीं ग्रहों का प्रभाव शामिल है और इसी प्रकार हर राशि से ही संबंधित भाव है। तो सबका सम्यक अध्ययन जरूरी है। यद्यपि राशियों के गुण तत्व तो बहुत हैं, लेकिन ये चार महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये कि राशियों का की दिशा क्या है, इनका तत्व तो क्या है, ये स्त्री है कि पुरुष है और इनका स्वभाव क्या है। ये चार चीजों पर फलादेश में बार बार चर्चा होती है और बिना इनके सम्यक जानकारी के पूरा क्लियर नहीं होता मामला। तो हम आपको एक चीज, महत्वपूर्ण चीज बताना चाहेंगे जो नोटिंग में नहीं आया है कि जैसे सूर्य को ग्रह मंडल का राजा कहा जाता है और चंद्रमा को महारानी। सूर्य और चंद्रमा का स्थान सबसे ऊंचा है तो यह एक ऋषियों की सूक्ष्मतम खोज है कि जब राशियों का विभाजन हुआ तो 7 ग्रहों को ही राशियां दी गई। 2 ग्रह छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, उनको राशियां नहीं मिली क्योंकि उनका कोई पिंड नवमंडल में नहीं हो, काल्पनिक पिंड। तो 7 ग्रहों को जो दी गई उसमें सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी कहा गया। सूर्य के पास 6 राशि थी और चंद्रमा के पास 6 राशि। तो सूर्य की 6 राशियों में से राजा रानी ने एक एक ले लिया और विभाजन कर दिया। अब सूर्य के पास सिंह से लेकर के कुंभ तक थी, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धर्म का कुंभ, सिंह से लेकर के अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 10 मकर तक, ये सूर्य का था।
राजा को मिला था सिंह से लेकर, और कुंभ माने 11वीं राज। आप ये जानिए 11, 12, 1, 2, 3 और 4 मतलब सिंह कन्या तुलना तुला वृश्चिक धन और मकर, ये सूर्य के को मिले थे हिस्से में, सूर्य के हिस्से के हैं, और कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क तो कि चंद्रमा के हिस्से में, इस तरह से राशियां हैं। अब सूर्य अपना अकेला, सूर्य को अकेला मिला क्योंकि राजा है, अकेला देखभाल करता है, चंद्रमा कर्क का देखभाल करता है। तो इस तरह से शनिश्चर को दिया गया मकर और कुंभ, बृहस्पति को दिया गया धन और मीन, मंगल को दिया गया वृश्चिक और मेष, शुक्र को दिया गया तुला और वृष, और बुध को दिया गया कन्या और मिथुन, और इनका फंस गया। इस तरह से बंटा, अर्थात एक की एक, एक को एक दिया गया, एक का एक सीरियल से दिया गया। सीरियल का मतलब यह हुआ कि कर्क की मिथुन और सूर्य की कन्या बुध को दे दी गई क्योंकि वह युवराज है, और उसके बाद इनका वृष और इनकी तुला शुक्र को दे दी गई, इनकी मेष और इनकी वृश्चिक सेनापति को दे दी गई, इनकी मीन और इनकी धनु बृहस्पति को गुरु को दे दी गई, और इनकी मकर, इनकी कुंभ और इनकी मकर। ये इस तरह से 6-6 राशियां बैठी है, इसके पीछे बहुत ही गहन और सूक्ष्म चिंतन है, अध्ययन है। तो मित्रों अब इस तरह से आप देखते हैं, सूर्य को सिंह, चंद्रमा को कर्क, मंगल को मेष और वृश्चिक, मंगल को मेष और वृश्चिक, बुध को मिथुन और कन्या, बृहस्पति को धन और मीन, शुक्र को वृष और तुला, शनिश्चर को मकर और कुंभ, ये राशियां मिली है। मित्रों जो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन और चिंतन है, वो चिंतन है कि स्त्री और पुरुष जब कोई चीज आती है कि सम और विषम, स्त्री या पुरुष, मान लीजिए पंचम का सब लॉर्ड कोई ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, तो एक चीज आता है कि पहली संतान स्त्री होगी पुरुष, तो अगर वो सम राशि में है तो कह दिया जाएगा कि कन्या पैदा होगी, विषम राशि में है तो कह दिया जाएगा पुरुष पैदा। और विभिन्न जगहों पर इस प्रकार के अध्ययन आते हैं तो राशियों का स्त्री और पुरुष विभाजन भी है, स्त्री और पुरुष मतलब राशियां 1 से लेकर के 12 तक हैं, सबको अंक जो दिया गया 1 से 12 तक। देखिए नैसर्गिक कुंडली है, ये नैसर्गिक कुदरती कुंडली है, इसमें मेष से लेकर के मीन तक सीरियल से राशियां हैं, और 1 से लेकर के 12 तक जब किसी संख्या का उच्चारण हो राशि के लिए तो प्राय हम समझ जाते हैं कि मेष कहा गया तो 1 नंबर की राशि, वृश्चिक कहा गया तो 8 नंबर की राशि, मिथुन कहा गया तो 3 नंबर की राशि, कन्या कहा गया तो 6 नंबर की राशि, तुला कहा गया 7 नंबर की राशि, मकर कहा गया तो 10। ये प्राय हर ज्योतिषी को पता है अनुभव। अब इसमें एक सीरियल से ले लीजिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, तो आप देखेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम राशियां जैसे मेष, मेष विषम, मेष हो गई विषम, और मिथुन हो गया विषम, सिंह हो गया विषम, अर्थात जो विषम संख्या वाली राशियां हैं वो पुरुष राशि, और जो सम संख्या वाली राशियां हैं वो स्त्री राशि, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 समझ गए होंगे, अर्थात मेष पुरुष, वृष स्त्री, मिथुन पुरुष, कर्क स्त्री, सिंह पुरुष, कन्या स्त्री, तुला पुरुष, वृश्चिक स्त्री, धन पुरुष, मकर स्त्री, कुंभ पुरुष, मीन स्त्री, अर्थात विषम संख्या की राशियां पुरुष वर्ग में आती हैं और सम संख्या की राशियां स्त्री वर्ग में आती हैं। स्त्री पुरुष का भेद आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज आती है कि चर स्थिर दुई स्वभाव, बार बार होता है कि अगर चर, चर माने शीघ्र, कोई कार्य देर में होगा कि जल्दी होगा, तो अगर
किसी ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी, किसी भाव का उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड, अगर चर राशि जैसे सेवेंथ का सप्तम स्थान का सब लॉर्ड अगर चर राशि में बैठा हुआ है तो इसका मतलब संतान शीघ्र पैदा होगी, जल्दी शादी होने की जल्दी बात शायद संतान होगी। और वो विषम राशि में बैठा हुआ है, स्थिर राशि में बैठा हुआ है, चर स्थिर दो स्वभाव अर्थात चर में माने मेष में, मेष वृष मिथुन अर्थात मेष राशि चर राशि है, वृष राशि स्थिर राशि, मिथुन राशि दो स्वभाव राशि, कर्क चर राशि है, सिंह स्थिर राशि है, कन्या दो स्वभाव, तुला चर राशि है, वृश्चिक स्थिर है, धन दो स्वभाव, मकर चर राशि है, कुंभ स्थिर राशि है, मीन दो स्वभाव, अर्थात चर स्थिर दो स्वभाव ने लिख दिया है, मेष वृष मिथुन सीरियल से लिखा, फिर कर्क सिंह कन्या लिखा, इस प्रकार से चार चर राशि के सामने एक चार सात दस आ गया था, मेष कर्क तुला और मकर ये चर राशियां हैं, फिर स्थिर राशि में वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां हैं, दो स्वभाव राशि में मिथुन कन्या मीन और धन ये दो स्वभाव, इनका स्वभाव है मित्रों अगर चर राशि में है कोई चीज तो शीघ्र होगा। मान लीजिए सप्तम स्थान का सब लॉर्ड चर राशि में बैठा है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो, कोई भी दशा अंतर दशा हो, और कभी कभी होता है कि दशा क्रॉस करके दूसरी दशा में शादी होती है, कार्जेस ग्रह आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर चर राशि में बैठा है तो निश्चित रूप से शादी जल्दी होगी, स्थिर राशि में बैठा है तो देर में होगी, और दुई स्वभाव राशि में बैठा है तो बहुत विलंब होगा, उसको बहुत विलंब कहिए, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। इसी तरह से राशियों का चर स्थिर दुई स्वभाव हो गया, स्त्री पुरुष इसको हम जान लें, उसके बाद आती है राशि की दिशा और तत्व। हर राशि की दिशा होती है, जैसे किसी की शादी किस दिशा में होगी, यह कार्य किस दिशा में सिद्ध होगा, नौकरी किस दिशा में होगी, व्यवसाय किस दिशा में करने से शुभ होगा, ये राशियों की दिशाएं तय करती हैं। ग्रह जिस राशि में बैठे होते हैं, किसी स्थान का सब लॉर्ड जिस राशि में बैठा है और उसका नक्षत्रेश भी उसी राशि उसी को इंगित कर रहा है, और कुंडली चक्र में जिस राशि में वह सब लॉर्ड बैठा हुआ है, इनको अगर एक में मिला दिया जाए तो उनके कुल के कंक्लूजन से एक रिजल्ट हम पा जाते हैं। तो अन्य प्रकरण है, इस नाते हमारा मतलब यह है कि जैसे मेष सिंह धन इनकी दिशा पूर्व है, मेष सिंह धन की दिशा पूर्व है और इनकी अग्नि तत्व है, मेष सिंह धन की दिशा पूर्व है और वृष कन्या मकर की दिशा दक्षिण है, मिथुन तुला कुंभ की दिशा पश्चिम है, कर्क वृश्चिक मीन की दिशा उत्तर है। याद जान लीजिए, इनकी जरूरत बार बार पड़ती है हमारे फलादेश में और हमारे कुंडली के अध्ययन में, विश्लेषण में, एनालिसिस में, प्रेडिक्शन में, क्योंकि जब सूक्ष्मतम फलादेश हमको करना होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है तो किस दिशा में कार्य सिद्ध होगा और किस प्रकार की किस दिशा में है, स्त्री राशि में है कि पुरुष राशि में है, ये भी देखना पड़ेगा, चर है कि स्त्री है, दूसरी स्वभाव यह भी देखना पड़ेगा। तीसरा चीज मित्रों तत्व है, अब देख लीजिए मेष सिंह धन की तत्व माने अग्नि तत्व, मेष माने मंगल की राशि है, मंगल की राशि अग्नि तत्व है जो साक्षात प्रत्यक्ष अग्नि है, माने बहुत गर्म है, बहुत दाहक होता है इसका प्रभाव, और सिंह भी अग्नि तत्व है लेकिन सिंह की अग्नि जो है वो जीवन रक्षक है, जीवन के लिए आवश्यक है, रोग प्रतिरोधक है, इसके बहुत आवश्यक है, जीवन दायिनी है, ये ऊर्जा है, जीवन की ऊर्जा है, और धन भी अग्नि तत्व राशि है लेकिन धन की अग्नि जो है प्रेम है, दुलार है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, इसमें भी एक ऊर्जा होती है, तो तीनों में थोड़ा अंतर है मेष सिंह धन। इसी तरह से वृष कन्या मकर ये मित्रों पृथ्वी तत्व है की राशियां हैं, वृष राशि शुक्र की राशि है जो फल फूल का बगीचा हो, फल का बगीचा हो, फूल का बगीचा हो, इस प्रकार फल फूल जहां ज्यादा पैदा होते हैं ऐसी भूमि वृष से संबंधित। कन्या राशि वह है जो खेती बाड़ी संबंधित है, जहां अनाज पैदा होता है खाने के लिए, तो ऐसी जमीन कन्या राशि में आती है पृथ्वी,
और मकर राशि ऊसर होती है, बंजर होती है, बीजर होती है, कटीली झाड़ियां वहां पैदा होती हैं, कृषि वाली चीज जो है उपयोगी चीजें नहीं पैदा होती। इस तरह से थोड़ा अंतर है वृष कन्या मकर में, है तो पृथ्वी तत्व। मिथुन तुला कुंभ, ये वायु तत्व की राशि है मित्रों। मिथुन है बुध की, वायु तत्व की राशियां बुद्धि प्रधान होती है, बुद्धि ज्यादा होती है इनसे संबंधित लोगों में। तो बुद्धि तो है लेकिन तीनों में बुद्धि है, वायु तत्व है, वायु भी है। ये जैसे अग्नि है, ये पृथ्वी है, ये वायु है। अब मिथुन बुध की है, इसमें कल्पना है, भाषा है, गणित है, लेखन है, बुध में इस प्रकार की बुद्धि है, इस प्रकार की बुद्धि इसमें होती है या इस प्रकार की क्षमता होती है मिथुन तत्व में। और वही तुला जो है ये कला है, जुआ है या कारोबारी विषय दक्षता है, ये तुला से संबंधित ये बुद्धि है। और कुंभ जो है गहन शोध है, खोज है, विश्लेषण है, गहन विषय पर इसका कारोबार चलता है, जैसे ज्योतिष है, विज्ञान है। इस तरह से कुंभ प्रधान जो होते हैं उसमें ये चीज चलती है। और वायु तत्व होने के नाते मिथुन की वायु जो है उतावली है, चंचल है बुध की तरह। तुला की वायु सवेरे वाली है, सुखदायिनी है, बढ़िया बढ़िया वायु, मीठी मीठी वायु। और कुंभ की वायु जो है, कुंभ की वायु ठंडी है, कंपा देने वाली ऐसी वायु है। इसी तरह से कर्क और वृश्चिक और मीन, ये जल राशियां मित्रों। कर्क माने कर्क पीने वाला पानी जो है, हमारा कुआं है, नल है, हमारे अगल बगल का पानी है जहां हम पीते हैं, उसको कर्क राशि में आती है। और वृश्चिक में आती है उत्सर्जित पानी, जैसे नाली का पानी जो घर से उत्सर्जित होता है, निकृष्ट पानी, गंदा पानी। और मीन का आकार ही मछली का होता है, ये सागर का जल है। तो मित्रों व्यवसाय के चयन में या अन्य विषयों में ज्योतिष के फलादेश में इन तत्वों की जरूरत पड़ती है, दिशा की भी जरूरत पड़ती है, तत्व की भी जरूरत पड़ती है, स्वभाव की भी जरूरत पड़ती है, और स्त्री पुरुष की भी जरूरत पड़ती है, कौन राज किसकी है इसकी भी जरूरत पड़ती है। इस पे मैंने विस्तृत एक चर्चा किया है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और नोटिंग भी हमने दे दिया है मित्रों, उसको उतार लीजिए और आशा है आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।